नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। पटना में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, फुलवारी शरीफ में एक मरीज की मौत, H1N1 वायरस की पुष्टि। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक, अब चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे मंत्री और विधायक। शाहनवाज हुसैन से मिले हड़ताली सफाई कर्मी, उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का उद्योग मंत्री ने दिया आश्वासन। बिहार के किसानों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सुविधाएं, ई किसान केंद्र की SOP जारी। बिहार में अब डायरिया का कहर, पटना के मनेर में 2 साल के बच्चे की मौत, कई बीमार। बिहार में खतरनाक वायरस H1N1 का संक्रमण पटना में फैलने लगा है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद स्वाइन फ्लू ने राजधानी पटना में दस्तक दी है। पारस हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से एक संक्रमित मरीज की शुक्रवार की दोपहर मौत हो गई है। मृतक की पहचान फुलवारी शरीफ के बिरला कॉलोनी के रहने वाले 58 वर्षीय अरविंद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि 4 सितम्बर को उन्हें राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहीं पारस में ही स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों का इलाज जारी है। खतरनाक वायरस H1N1 की चपेट में आए और भी कई मरीज पारस हॉस्पिटल इलाज के लिए पहुंचे हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ ने संक्रमण की पुष्टि कर दी है। स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस की पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय मंत्री और विधायक को चुनाव क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य निर्वाचन आयोग यह प्रतिबंध लगाया है। अब सरकारी कार्यक्रमों के तहत माननीय सिर्फ शहरी क्षेत्रों या क्षेत्रीय सरकारी कार्यालय तक ही जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत माननीय को चुनाव क्षेत्रों में जाने को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा की जाने वाली सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग अलग होगी। एक साथ सरकारी और चुनावी यात्रा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जब केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और उसके बाद चुनाव कार्य के लिए स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन से करते हों, तब माननीय के इस पूरे दौरे को चुनाव कार्य माना जाएगा। किसी भी परिस्थिति में सरकारी और चुनावी यात्रा एक साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतदान केंद्र हो या मतगणना केंद्र, दोनों ही जगहों पर वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब माननीय को मताधिकार का प्रयोग करना हो तो वे मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। इस दौरान वे सरकारी सुरक्षा बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल को अपने साथ मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते हैं। बिहार राज्य भर के नगर निकायों के 30,000 से अधिक सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। समान काम के बदले समान वेतन, सेवा नियमित किए जाने सहित कई मांगे हैं जिसकी सफाई कर्मी आए दिन मांग कर रहे हैं। हाथों में माला लेकर सफाई कर्मी आज पटना स्थित BJP प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में पहुंच गए, लेकिन उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। BJP के सहयोग कार्यक्रम में आए मंत्रियों से मिलने की मांग सफाई कर रहे थे। काफी देर तक BJP प्रदेश कार्यालय के गेट पर खड़े सफाई कर्मियों ने हाथ में गेंदे का माला लेकर खड़े रहे, इस उम्मीद से कि कभी तो मंत्री जी गेट से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उन्हें माला पहनाकर उनके समक्ष वे अपनी मांग रखेंगे। और हुआ भी यही। कुछ देर बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की गाड़ी गेट से बाहर निकली। फिर क्या था, सफाई कर्मियों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया और सबसे पहले माला पहनाया। सफाई कर्मियों ने इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। सफाई कर्मियों ने मंत्री शाहनवाज हुसैन को यह बताया कि उन्हें मासिक वेतन के तौर पर 9,000 रुपये मिलते हैं, जिससे परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। इतनी कम राशि में किराए के घर में रहकर गुजारा करना मुश्किल है। वे सरकार के समान काम के बदले समान वेतन और सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर वे कई दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग पा रही है। 15 साल से वे काम कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सम्मानजनक वेतन मिलती तो शायद वे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाते, जिनसे उनका भविष्य उज्जवल रहता। सफाई कर्मियों की बातों को सुनने के बाद बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम उद्योग मंत्री हैं और रोजगार कहीं कम हो तो हमें दुख होता है। शाहनवाज हुसैन ने यह आश्वासन दिया है कि सफाई कर्मियों की मांगों को वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के समक्ष रखेंगे।
बिहार में खेती किसानी से जुड़े किसी भी काम के लिए अब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही खिड़की से सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए 2008 में सभी 534 प्रखंड के लिए लॉन्च की गई ई किसान केंद्र योजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। कृषि निदेशक आदेश तितरमरे ने इन केंद्रों के संचालन को लेकर नियम कायदे तय कर दिए हैं। हालांकि अभी 455 प्रखंडों के किसानों को ही यह सेवा मिलेगी। राज्य के 79 प्रखंडों में ई किसान केंद्र के लिए भवन निर्माण का काम बाकी है। वायरल बुखार के तप के बाद बिहार में अब डायरिया का प्रकोप भी जानलेवा हो गया है। पटना के खासपुर और शेरपुर बगही गांव में लगातार डायरिया से बच्चे बीमार हो रहे हैं। शुक्रवार को डायरिया पीड़ित 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार खासपुर के वार्ड संख्या 5 निवासी महेंद्र राय के 2 वर्षीय बेटे लड्डू को डायरिया की शिकायत थी। तबियत बिगड़ता देखकर परिवार के लोगों ने बच्चे को इलाज के लिए पास के एक ग्रामीण चिकित्सक के पास भर्ती कराया। दवा देने के बावजूद तबियत बिगड़ती चली गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने बच्चे की स्थिति को गंभीर बताते हुए पटना रेफर कर दिया। पटना ले जाने के क्रम में बच्चे की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि खासपुर और शेरपुर बगही गांव में प्रदूषित पानी के कारण डायरिया का मामला बढ़ गया है। कई बच्चे उसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि जलजमाव से डायरिया पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दशहरा के मौके पर इस बार गांधी मैदान में कोई आयोजन नहीं होगा। इसके बदले गांधी मैदान से सटे कालिदास रंगालय में 3 दिनों तक रामलीला, रावण वध और भरत मिलाप का आयोजन होगा। दशहरा से जुड़े आयोजनों को लेकर गुरुवार को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पटना के अध्यक्ष कमल नेपानी, सचिव अरुण कुमार के साथ समाहरणालय में बैठक की और अहम निर्णय लिए। बैठक में कमेटी द्वारा गांधी मैदान में ही छोटे स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम रामलीला, रावण वध, भरत मिलाप के आयोजन संबंधी प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर विमर्श के बाद इसे उपयुक्त नहीं पाया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांधी मैदान के पास स्थित कालिदास रंगालय में 3 दिनों का आयोजन होगा। कालिदास रंगालय में 14 अक्टूबर को रामलीला, 15 अक्टूबर को रावण वध, 16 अक्टूबर को भरत मिलाप कार्यक्रम होगा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है और प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो गया है। ऐसे में माकपा भाले ने सभी विधायकों को नया टास्क दे दिया है। सभी विधायकों से कहा गया है कि पंचायत चुनाव तक विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाएं और अगर किसी कारण से जाना पड़ा तो इसकी सूचना भी राज्य कार्यालय को दें। माले ने सभी विधायकों को चुनाव पर निगरानी रखने के लिए कहा है। राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी की पूरी तरह से हर जगह पर निगाह रहेगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। चुनाव के दौरान कई तरह के विवाद और वोटरों को लुभाने के लिए काम होते हैं, इसमें राज्य सरकार के भी अधिकारियों का रोल रहता है। समाज कल्याण विभाग के निदेशालय समक्ष में बीते गुरुवार को राज्य स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से होम में रहने वाले बच्चों को सुरक्षा मिले, इसको लेकर तैयारी पूर्ण रखने का निर्देश दिया गया है ताकि बच्चे किसी तरह से भी इस बीमारी की चपेट में नहीं आए। वहीं दूसरी ओर राज्य के 38 जिलों में एक एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है, लेकिन बैठक में अतिरिक्त 11 जिलों में कोर्ट बनाने का काम को तेज करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में चिन्हित 11 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर जमीन अधिग्रहण करने को लेकर निर्देश दिया गया है ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वहीं विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को 20-20 लाख रुपए आवंटन किए हैं। सिविल सर्जन से संपर्क करके साप्ताहिक बच्चों की जाँच करने का भी आदेश दिया गया है। बिहार में अंचल अधिकारी राजस्व संबंधी मुख्य काम परिमार्जन आदि पर फोकस कर सके, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनके काम के बोझ को कम कर दिया है। उनकी कई जिम्मेदारियों को बांट दिया गया है। जाति निवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों को देने का निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। सीओ की अनुमति लेकर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के डाटा एंट्री ऑपरेटर परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन का काम करेंगे। इससे लोगों का समय तो बचेगा ही, सरकारी काम में पारदर्शिता के साथ साथ काम में तेजी भी आएगी। इसको देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों निर्देश दिया था।
लोजपा के संस्थापक और भारत सरकार के मंत्री रहे दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बरसी पर 12 सितंबर को पटना में कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से मिलकर उन्हें निमंत्रण पत्र दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में दोनों ने आगे रणनीति में साथ आने वाले मुद्दे पर भी बात की। चिराग पासवान ने बुधवार को पटना में राबड़ी देवी की सरकारी आवास पर जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के बरसी पर रखे गए कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों नेता एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के तरफ से एक सवाल पूछा गया कि क्या चिराग और तेजस्वी राजनीति के मैदान में एक साथ दिखेंगे, तो दोनों ने इस पर अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर दी है और जब लालू प्रसाद जी ने इस पर सब कुछ कह दिया है तो मेरे तरफ से कुछ बोलने को नहीं बच जाता है। वहीं चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि पारिवारिक और व्यक्तिगत तौर पर वे अभी मुलाकात करने आए हैं, इस दौरान ऐसे सवाल किया जाना उचित नहीं है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।